ओके चाचू, अब मम्मी और भाई का भी ख्याल रखिएगा। मुझे एक दफा उसके पास ले चलना, मैंने उसे देखना है। मैं भूल गई थी कि मैं तो उसे नहीं देख सकती। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप वापिस आओगी तो आप बिल्कुल ठीक होकर आओगे। हाँ बेटा बिल्कुल, जब आप आएंगी ना आपके लिए एक शानदार पार्टी करूंगा। चली गई कहीं अनमोल के पास। इसने अपने कमरे के कदम गिनवाकर अच्छा नहीं किया। निम्रा, 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 कहाँ चली गई? निम्रा, 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 निम्रा बेटा, निम्रा बेटा, निम्रा, सब घर वाले कहाँ हैं? कहाँ चले गए सब? निम्रा कहाँ है? मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। निम्रा, निम्रा, मम्मी, मम्मी मैं यहाँ हूँ। निम्रा, कहाँ हो आप? क्या मजाक है ये? मम्मी मैं आपके सामने हूँ, वीडियो कॉल पर रास्ते पर हूँ। मैं तो आपको नहीं देख सकती, मगर आप तो मुझे देख सकती है ना? वो दिन दूर नहीं जब मैं भी आपको देख सकूंगी। निम्रा देखो, अपनी मम्मी को परेशान मत करो। आप जहाँ भी हैं अभी इसी वक्त मेरे पास वापस आए। कहाँ हैं आप? मम्मी आपके सामने ही तो हूँ, मगर जरा दूर हूँ। मैं इस वक्त दुबई में हूँ और 2 घंटे बाद हमारी अमेरिका की फ्लाइट है। हमारी फ्लाइट? I'm sorry फरियाद, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं निम्रा को लेकर जा रहा हूँ। दुआ करना कि हम कामयाब होकर लौटे और हमारी बेटी फिर से देखने लगे। जाना मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? आप मेरी बेटी को मुझसे इतना दूर कैसे लेके जा सकते हैं? नहीं आसान, मैं अपनी बेटी को जीते जी मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। अल्लाह ना करे फरियाल, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें खुदा की जात पे भरोसा होना चाहिए। कम से कम मुझे मेरे रब पे पूरा यकीन है। मैंने आज तक कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया फरियाल, इसलिए मेरा खुदा भी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। तुम देख लेना मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, फिर से देखने लगेगी। हसन, आप एक बच्ची को उसकी माँ से दूर ले गए, आपको खुदा कभी भी खुश नहीं रखेगा। मेरी बेटी को मेरे पास वापस लेके आए आजान। हम जा रहे हैं फरियाल, अपनी दुआ में रुखसत करो हमें। मैं अमेरिका जाके तुमसे रब्ता करूंगा। खुदा आजान। नहीं आजान, आप निम्रा को मुझसे दूर नहीं लेके जा सकते। वो मेरी बच्ची है आजान, मैं उसे अपने से दूर नहीं होने दे सकती। आजान प्लीज, आजान। ये क्या किया है तुम्हारे भाई ने? मेरी बेटी को मुझसे पूछे बगैर इतनी दूर ले गए, क्यों? कम से कम मैं उसे आखिरी बार मिल तो लेती। प्लीज भाभी हौसला रखें, अल्लाह से पूरी उम्मीद रखें। अगर आप चाहें तो मैं आपके अमेरिका जाने का बंदोबस्त कर सकता हूँ। ठीक हो जाएंगे एक बार निम्रा का ऑपरेशन हो जाए। Thank you.
फरहान, 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 तुम्हारी ज़बान से आखिर फरहान का सच निकल ही गया। आप क्यों साबित करने पे तुले कि फरहान मेरी जिंदगी में मौजूद है? क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला कि फरहान तुम्हारा माजी था। फरहान अब भी तुम्हारे साथ, तुम्हारी रगों में फरहान मौजूद है। चूंकि ना मुझे तुमसे प्यार करने देता और ना ही तुम्हारे करीब आने देता है। प्यार और आप अलग अलग चीज है। मैंने एक ऐसी लड़की से प्यार किया जो किसी और से प्यार करती। मिराज, मेरी बात सुनो। आप जानते थे मेरी मम्मी फरहान से हुई थी। सब कुछ आपके सामने हुआ था। ये किस बात की सजा मिल रही है मुझे, मुझे बताएं आप। मेरी भूल थी कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। फरहान अनमोल को धोखा देता रहा और तुम मुझे, और तुम्हारे और फरहान के दरमियान जो ताल्लुकात है ना, सब नजर आ रहा है मुझे। तुम्हारे दरमियान सिर्फ मंगनी नहीं हुई थी, और भी बहुत कुछ था। मिराज, आप जानते हैं फरहान सिर्फ माजी है और कुछ भी नहीं। मिराज, मिराज आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? आप क्यों मेरी बात नहीं मानते? मैंने आपकी आंखों में प्यार देखा था आपके लिए, इसीलिए आपसे शादी की थी। मुझे किस बात की सजा दे रहे आप? मिराज आप क्या? चलोगे मेरी बच्ची मत से? छीन लिया मेरी निमड़ा को इन लोगों ने, मम्मी आप नाराज ना हो, निमड़ा जल्दी वापस आ जाएगी। और अनमोल चाची कह रही थी जब निमड़ा वापस आएगी तो वो ठीक होके आएगी। झूठ कहती है तुम्हारी अनमोल चाची, उन्हीं ने छीना है मेरी निमरा को मुझसे। कभी माफ नहीं करूंगी मैं इन लोगों को, कभी माफ नहीं में दखल देने वाली तू होती कौन है? मेरी बेटी को मौत के मुंह में मुझसे दूर भेजने वाली तू है ना? भाभी आप समझने की कोशिश करें, निमरा ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी? शक्ल से तो कितनी मासूम सी लगती है, मगर अंदर से पूरी डायन है। तू डायन? भाभी अब चाहे तो मेरी जान ले, लेकिन निमरा को ऑपरेशन हो जाने दे। मुझे तो तेरी जान लेनी भाभी। सही कहती है तू। भाभी, अरे भाभी क्या कर रही हैं आप? हटो पीछे, हटो। अरे इसको जान। भाभी क्या कर रही हैं आप? तुमने मुझ पे हाथ उठाया, अपनी मां जैसी भाभी पे हाथ उठाया। हटो पीछे। आज अगर मेरा शौहर घर पे नहीं है तो इसका ये मतलब है कि तुम मुझ पे हाथ उठाओगे। हाँ बस अभी पहुंचे हैं, एक दोस्त के फ्लैट पे हूँ। निमरा काफी एग्जॉस्ट हो गई थी कि सुलाया उसे। फरहान, फरियाल का व्हाट्सएप मैसेज मिला मुझे। देखो जो भी था, जो भी, तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था उसमें। हाँ भाई हाथ तो नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ, फरियाल भाभी बहुत जज्बाती हो गई थी।
बिल्कुल पागल हो गए थे, अनमोल को जान से मार देना चाहती थी। उनको होश में लाने के लिए उन पे हाथ उठाया मैंने। फरहान, वो तुम्हारी माँ की जगह है। अगर फरियाल की बर्दाश्त जवाब दे गई थी तो तुम्हें पेशेंस सिखाना चाहिए था। मैं समझता हूँ भाई, इसलिए मैं आपसे माफी भी मांगता हूँ। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। बहुत मजबूर हो गया मैं, बहुत ज्यादा। अरे नहीं भाई, ऐसा मत कहें, मैं शर्मिंदा हूँ। इस बात पे मैंने भाभी से माफी भी मांगी। फरहान, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि फरियाल कितनी जुनूनी हो जाती है, सुसाइडल हो जाती है। पहले भी एक बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है वो। मैं कैसे काम डाउन रहूं, मुझसे सब बर्दाश्त नहीं हो सकता। अच्छी भी मुश्किल में फंस चुका हूं मैं। क्या मतलब साइकेट्रिस्ट के पास जाऊं? मसला मेरे दिमाग का नहीं है, मोहब्बत का है। मैं जिससे प्यार करता हूं वो किसी और से प्यार करती है, और ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम समझ नहीं रहे, मेरी टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलो सही, मैं बाद में बात करता हूँ उनसे। फरियाल भाभी, मैं हूं। फरियाल भाभी, क्या आप अंदर है? क्या लगा था तुम्हें, खुदकुशी कर लूंगी मैं? फरियाल भाभी, वो अजान भाई की कॉल आ रही है और मुझे भी माफी मांगनी है आपसे। माफी का वक्त अब गुजर चुका है फरहान, और तुम्हें बख्शूंगी नहीं। इन लोगों ने जो करना था कर लिया आजान, मगर आपने भी लिहाज नहीं किया। अगर आपने मेरी बेटी का ऑपरेशन करवाना ही था तो कम से कम मुझे तो एतमाद में ले लेते आप। तुम मान कब रही थी मेरी बेटी की जान चली जाती फरियाद? वाह, कितनी आसानी से कह दिया ना कि मेरी बेटी, जैसे वो मेरी बेटी तो है ही नहीं। मैं दुबई पहुंच रही हूं आजान। प्लीज भाभी, ऑपरेशन होने दीजिएगा, निमरा हमारे लिए भी। मुझे तुमसे जितनी अब नफरत है ना फरहान, किसी और से नहीं हो सकती, क्योंकि तुम इसके शौहर हो और इसकी असलियत तुम जानते नहीं हो। डायन है ये, डायन मेरी औलाद को खा जाना चाहती है, क्योंकि इसकी अपनी औलाद नहीं होती ना। बहुत भोले हो तुम। अनमोल, फरियाल भाभी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अजान भाई के लिए माफ कर देना चाहिए। चलो उनके जाने की तैयारी करते हैं। कल ऑपरेशन, एडमिट होने जा रही है कल, प्लीज दुआ करना उसके लिए। मेरी सब दुआएं निमरा के साथ हैं, जैसे ही वो ठीक हो जाए सबसे पहले मुझे बताइएगा, मैं आज ही उसी के लिए वजीफा पढ़ रही हूँ। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नंबर क्यों पीसी जा रहे हैं इनका, किससे बात कर रहे हैं ये? पिक अप द फोन, डैमेज। अनमोल, तुम वाकई अपने नाम की तरह बोलो। अम्मी जी का ख्याल रखना प्लीज, उनकी कॉल आने वाली होगी किसी भी वक्त, तो बस उन्हें संभाल लेना। और फरियाल के भी गमों गुस्से का सामना करना है तुम्हें, बहुत सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा तुम्हें। अजान भाई, आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं यहाँ हूं ना सब संभालने के लिए।
आप तो बस निम्रा का ख्याल रखें। शर्म नहीं आती तुम्हें? वहां मेरी बेटी अपनी जान से खेल रही है और यहां तुम लोगों को दिल लगी सोच रही है। अजान भाई, भाभी से बात करें। शर्म आनी चाहिए आपको अजान। मैं आपको कब से कॉल्स कर रही हूं और आप मेरी कॉल नहीं उठा रहे, यहां खड़े इससे बातें कर रहे हैं। तुम्हारे भी मुंह में जो आता है बके चली जाती हो, बकवास किए चली जाती हो। कभी तो बोलने से पहले सोच लिया करो फरियाल। हाँ, अब तो आपको मेरी बातें बकवास ही लगेंगी इसकी मीठी जुबान के आगे। आपको नहीं पता कि अंदर अंदर से हमें कैसा घुन लगा रही है। अपनी बेटी का नहीं पूछोगी? ऑपरेशन है उसका, कौन कल एडमिट होने जा रही हो। अगर अनमोल से नफरत करने से फुर्सत मिल जाना तुम्हें फरियाल, तो दुआ कर देना उसके लिए। मैं अपनी बेटी के लिए दुआ कर रही हूँ, मगर एक बात याद रखिएगा, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? मेरी बच्ची वहां जान के खतरे से खेल रही है और तुम लोग मुझे वहां जाने नहीं दे रहे। फरहान प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार मेरी बच्ची के मर जाने से पहले मुझे उससे मिलने दो। फरहान प्लीज, फरहान भाभी प्लीज,